जौनपुर से अगले कॉलर है पीएल चौरसिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हम हकीम साहब से बात करना चाहते हैं। जी जय हिंद सर, बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, हमारा लीवर बढ़ गया है, 166 मिलीमीटर का है और हमारे लीवर जो है फैटी है, हमको गैस बहुत बनता है, पेट साफ नहीं होता, तो कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे हमारे लीवर जो बढ़ा हुआ है वो अपने सही स्थान पर आ जाए। ठीक है। और अपने बच्चे के लिए तो मैं आपके यहाँ से माजूमार केयर, वो हजम बराबर, उसको सर्दी जुकाम होता था उसको तो मैं मंगा ही रहा हूँ उसको देने के लिए। हाँ तो हम, मैं सोचा कि अपने लिए भी आपसे कुछ, मैं कैसी तबीयत है बच्चे की, तबीयत कैसी जरा सा बताइए। हाँ सर, उसकी खांसी तो ठीक है लेकिन अभी कभी कभी बीच में सर्दी हो जाता है, ठीक हो जाता है, हो जाता है, ऐसे चल रहा है। अच्छा, 5-6 महीने लगातार खिलाना, फायदा शुरू हो गया है तो उसका ठीक होना मुमकिन है। हम उसको 5-6 महीने खिलाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, ये लीवर का रोग बहुत बढ़ रहा है और जो भी लोग कोई ऐसा इलाज करते हैं जिसमें बहुत तेज़ दवाएं खानी पड़ती हैं, अगर वो 15 दिन से ज़्यादा का इलाज हो तो ज़रूर ये नुस्खा लें जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो लीवर पर परेशानी आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, जॉन्डिस हो जाएगा, लीवर इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पस पड़ जाएगा, ये बहुत हो रहा है। तो एक नुस्खा है जो बहुत कामयाब है और जिन लोगों को हमेशा दवा खाना उनका मुकद्दर बन गया है ज़िंदगी भर, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैतून का नमक आता है, नमक जैतून कहते हैं, ये नमक जैसा ही रंग रूप इसका होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये अगर आपको मिल जाए 100-200 ग्राम तो ख़रीद लीजिए और 1-2 चुटकी सुबह पानी में मिला के ले लें, 1-2 चुटकी शाम को। आपने जितना सब कुछ पेट के लिए, गैस के लिए, लीवर के लिए जो परेशानी बताई, इन सब का ठीक होना मुमकिन है, बस ये मिला के आप पी लिया करें एक बार या दो बार और मैं दुआ करूँगा कि आप अच्छे हो जाएं। अयोध्या से नेक्स्ट कॉलर हैं अमित कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका। बताइए प्रश्न करिए। जी मैम, मेरा प्रॉब्लम है कि मेरी माता जी जो है, हाँ, उनको थोड़ा क्या है कि पूरे शरीर में परमानेंट दर्द बना रहता है। ये कब से दर्द है उन्हें? ये 5-6 साल से है, करीब उनकी उम्र भी है इसमें 50 साल। ठीक है। और उनको परमानेंट दर्द बना रहता है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। ठीक है बेटा, सबसे अच्छी बात तो ये कि आप उनके लिए तकलीफ महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है अपने माँ बाप के लिए तड़पना, क्योंकि वो भी तड़पे हैं हमारे लिए, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल करें, और ज़रूर आप बहुत अच्छे इंसान होंगे और इस उम्र में ज़रूरी है तवज्जो देना अपने माँ बाप पर, और ये दर्द सबको आता है, जब आप होंगे बड़े जब आपको भी आएगा, अगर ये चाहते हैं लोग के हमको जब तकलीफ हो तो हमारे बच्चे काम आए, तो अपने माँ बाप के काम आइए। एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, काले रंग का होता है, ब्राउन समझ लीजिए, असली लेना है, नकली बहुत मिलता है, आधा आधा ग्राम सुबह शाम देने, और ये दर्द उनके हर जोड़ हर नर्व की रिपेयर होती है, और 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी माता जी का दर्द ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। ये बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। रोशन जी स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोई माता से बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है सर, हकीम साहब से बात कब होगी हमारी? जी जी अभी होगी साहब, बताइए, मैं तो तैयार बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, हकीम साहब जी नमस्कार। जय हिंद सर, बताइए क्या हुक्म है? सर मैं रतन सिंह बोल रहा हूँ हिमाचल से। सर मैंने आपका प्रोग्राम देखा ना टीवी में। अच्छा, तो उसमें जो आप नुस्खे बता रहे हैं ना साहब, तो मेरे को बीपी की प्रॉब्लम रहती है और कमर में दर्द है और पूरी टांग में दर्द है कुल्ले से, और
मुंडे में भी दर्द रहता है जी, बाएं साइड में। बोलिए आगे बोलिए। हाँ जी सर, तो मैंने फोन करा था कल भी, आपका बात नहीं हो पाई थी, आज आपसे बात हो रही है। तो कल किसी आदमी ने फिर फोन उठाया, उसने बोला कि हम आपको दवाई दे देंगे, बोला हकीम साहब की बनाई हुई। ठीक है तो सर मैं, हाँ जी, तो मैं आपसे कन्फर्म करना चाहता हूँ सर कि तो आप मतलब ऐसे भेजते हैं दवाई घर में? जी जी भेज देते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे मैं आपसे कन्फर्म करना चाहता कि ऐसा ना कोई डुप्लीकेट कोई फोन सुन रहा हो उसने मतलब मैसेज भेज दिया। नहीं, हमारे दरअसल ये होता है कि हम लोग बैठते हैं एक घंटे के लिए, कभी किसी चैनल पे कभी किसी चैनल पे, तो क्योंकि हज़ारों आप जैसे कॉलर फ़ोन करते हैं तो हम 20-25 लोगों के जवाब दे पाते हैं, बाकी हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं वो उनके पास पहुंचती है, जिनकी हमारे पास मिल जाती है ठीक है, नहीं तो उनके पास पहुंच जाती है। फिर वो मैंने उनको सख्ती से कहा हुआ है कि जिनका भी कॉल आए उनको इत्मीनान वाला जवाब देना ज़रूरी है, तो क्योंकि हम हज़ारों लोगों से बात नहीं कर पाते, दिन भर में 100-200 लोगों से बात कर पाते, बाकी क्योंकि आपकी आपने फ़ोन किया आपको ज़रूर कोई तकलीफ होगी, इसलिए हमने उनको हिदायत दे रखी है कि अपनी तरफ से फ़ोन करो और उनको जो भी सेवा है उनकी फटाफट किया करो। तो इसलिए आपके पास फ़ोन आया था, वो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमसे भी बेहतर होते हैं, बस मेरा तो चर्चा हो गया, लेकिन मुझसे बेहतर डॉक्टर मेरे पास मौजूद है। जी तो रतन जी देखिए, आपने अब कंफर्मेशन कर लिया है ना, ये बहुत अच्छी बात है, कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और हकीम साहब से आपकी बात भी हो गई है, तो अगर आप नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपना सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल आप हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर देखिए आपकी टी वी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पर होते हैं जिनसे आपकी बातचीत होती है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। राजा राम जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? आदाब सर, सागर जिला खुरई से कर रहे हैं मैडम जी। आपका सवाल क्या है? जी मैडम, मेरी कमर दर्द करती है। कब से दर्द है कमर में? घुटना दर्द करता है, बायां कमर हाँ। दर्द करती है और एक बायां कंधा दर्द करता है, एक लगभग 4 साल। उम्र क्या है आपकी? 30 साल मैडम। हाँ देखिए, शायद आप बहुत मेहनती आदमी रहे हैं, कुछ दिन के लिए मेहनत का वजन उठाने का काम छोड़ दें। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि एक गोंद आता है जिसे गोंद सियाह कहते हैं, ये देखने में काला या ब्राउन सा होता है, कड़वा बहुत होता है और नकली भी मिल जाता है, असली लेना है, बहुत कड़वा होता है, इतना कड़वा कोई पदार्थ होता ही नहीं, कोई जड़ी बूटी इतनी कड़वी होती ही नहीं, ना नीम ना करेला, ये तो कुछ भी नहीं इसके आगे। और ये अगर 100 ग्राम भी आपको मिल गया असली, तो आधा आधा ग्राम खाइए सुबह शाम नाश्ते और रात के खाने के बाद, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, जूस से, जैसे आपके हालात हैं इसे खाइए, 5-7 दिन सब्र करिए। आपको बहुत पुराना दर्द है तो 5-7 दिन सब्र करें, ये 5-7 दिन में फ़ायदा शुरू करता है और रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा करता है, लेकिन ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। जी अगली कॉलर है नगमा नजीबाबाद से, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैम मेरे बेटे के 2 सवाल। हाँ पूछिए। मेरा बेटा बीटेक कर रहा, 27 साल का हुआ, बीटेक कर लिया उसने 2-3 साल पहले। हाँ। अब वो जब तक हाई स्कूल करा वो बाहर ही रहता है, बाहर ही। अब तो इस टाइम नोएडा में जो सिविल सर्विस की तैयारी कर दिया। उसका बचपन से नमूनिया बहुत रहे थे उसे, रोज तीसरे दिन आए दिन नमूनिया पड़ते रह गए थे। अब उसको अब तो काफी बड़ा हो गया, तो अब मैम उसके लिए उसे जो उठ गया और एकदम से लिहाफ में से मुंह निकाल दिया तो जुकाम, और कूलर के आगे बैठ गया तो जुखाम। उसे जुखाम इतने रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो हर वक्त जुखाम,
और उससे बलगम भी आ जाता है। खांसी या खांसी ऐसी है मैम उसकी कि बहुत भयानक थी, धौड़ धौड़ थी वो काफी, वो तो बचपन से ही है। ठीक है, आपका दूसरा सवाल। इतनी बुरी खांसी है और मैम उसके बाल आधे से भी ज्यादा सफेद हो गए काफी। ठीक है, और दूसरा सवाल ये है कि वो खाना खाते ही एकदम लैट्रीन जरा सी आती है, चाहे आती जरा हुआ है पर लैट्रीन फौरन लैट्रीन फौरन लैट्रीन, उसका पेट बिल्कुल ठीक नहीं रहता और बाहर का खाना खाता रहा। मैम मेरे पास तो रहता नहीं वो, तो मैं उसे करके सही अपना ये घरेलू बता सकूं जो डॉक्टर साहब बताते रहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत कीमती बच्चा है और जो वो तैयारी कर रहा है और उसके लिए दुआ करता हूँ कि उसको कामयाबी मिले। सिविल सर्विसेज कोई मामूली स्टडी नहीं है, दुनिया भर का ब्रेन उसके अंदर है और उसकी तैयारी कर रहा है, उसको कामयाबी ऊपर वाला दे। अच्छा देखिए, ये बच्चे सब वो होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है और अगर कल को वो आईएएस आईपीएस बनेगा तो इम्यूनिटी कम नहीं होनी चाहिए उसकी। इसमें 5-6 महीने का इलाज है यूनानी का, एक आती है माजून आर केयर, सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच खिलाएं और गर्म पानी से, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, बाज़ार की चीज़ें छोड़ दें और ज़रूरत पड़े तो शाम को भी 1 चम्मच खिलाएं। अगर 5-6 महीने लगातार किया तब इससे पीछा छूट सकता है। ये सर्द मिजाज है, ठंडा मिजाज का है और खून में सर्दी समझ लीजिए, गाँव की ज़बान में हम कहते हैं, ये निकलने की ज़रूरत है और इसके दोनों रोग ठीक होना मुमकिन है। तो इससे यानी कि वाइट बाल कफ दोनों ठीक हो सकते हैं। और तीसरा था इनका कि पेट खराब बच्चे का बहुत रहता है। और देखिए जिसमें इम्यूनिटी नहीं होती उस पर सब हमला करते हैं, जिस देश की फौज होती है ऐसी हमारे जिस्म में एक फौज है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये फौज कमज़ोर है तो कोई भी हमला करेगा, पेट का मामला भी, सर्दी का मामला भी या कोई रोग भी होगा, जल्दी से इस बच्चे को होगा। तो जिनमें भी इम्यूनिटी की कमी है इसको आजकल बहुत ख्याल रखना चाहिए अपना और ये ज़रूर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर शख्स को ये लेना चाहिए ताकि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया, तो ऐसे लोगों को बहुत खतरा है, ये दवा लेना बेहतर है। जी, हरियाणा से अगले कॉलर हैं, राजकुमार जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, जिला टिंडा गांव बुद्रियाणा जी। ठीक है, मेरे पेट में पथरी है जी 4 mm की जी। किडनी में है क्या? दवाई लेना चाहते हैं। किडनी में है या मेरे गुर्दे में जी? गुर्दे में ना। जी, किडनी गुर्दे कोई कहते हैं। और किडनी में कितनी भी बड़ी पथरी क्यों ना हो उसका निकल जाना मुमकिन है अगर आप इस तरीका समझ लें। देखिए एक आता है नमक जैतून, ये नमक जैसा ही होता है देखने में लेकिन खाने में नमक जैसा नहीं होता, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं। नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, हल्का सा कड़वापन या कसेलापन होता है। ये ले लीजिए 100 ग्राम करीब और 1/2 ग्राम 1 गिलास पानी मिलाएं और इसमें 1 या 2 नींबू निचोड़ दें और इसको पी लें और इसके बाद फौरन सादा पानी 2 गिलास और पिए। ऐसा दिन में 2 बार करें। कितनी भी बड़ी पथरी हो उसको ये तोड़ देती है जाके, और जो आपने ज़्यादा पानी पिया है तो आपको फोर्स से पेशाब आता है और ये उसको लेके बाहर निकल जाता है। दर्द हो तो दर्द की दवा लेना और ये लगातार लें, कभी भी आपकी पथरी से निवारण मुमकिन है। तो देखिए जो पथरी आपको हो गई है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपने ये सारी बातें लिख ली हैं ना, अगर नहीं लिख पाए हैं और परेशान ज़्यादा नहीं होना चाहते हैं और क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी आपको पथरी दे रही होगी, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिएगा। अगर नुस्खे लिख लिए हैं अच्छे से, एक एक बात नोट डाउन आपने कर ली है, बातों को फॉलो कीजिएगा और अपनी फीडबैक कॉल के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। दर्शकों देखिए जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से।
मेल फीमेल दोनों हैं। अगर आप किसी भी रोग को लेकर संकोच करते हैं, नहीं बताना चाहते हैं लाइव कार्यक्रम में, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर जुड़ सकते हैं। हकीम साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना वक्त कीमती हमारे लिए निकाला, दर्शकों के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आपके चैनल का, सबका धन्यवाद।